फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड फ्राई में। तो आज की हमारी रेसिपी है खजूर की बर्फी। ये खूब सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। और इस बर्फी की स्पेशल चीज ये है कि आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। और आप इसको लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं, जो आपको स्टोर करने में इजी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं खजूर की बर्फी और खजूर के लड्डू की रेसिपी। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ये बटन आपको ग्रे दिखेगा। इसके बाद आपको इस बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि मैं जब भी कोई नई रेसिपी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आइए देख लेते हैं खजूर की बर्फी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम खजूर। इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। वैसे बाजार में सीडलेस वैरायटी भी अवेलेबल होती है, बट मुझे नहीं मिले थे, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। और मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। और इसी तरह से मैंने काजू लिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून टुकड़ों में कट किए हुए। खसखस हम लेंगे 3 टीस्पून, 1 टेबलस्पून घी। और कुछ मैंने पिस्ता ले लिए हैं इस तरह से बारीक चॉप किए हुए। इनको मैं गार्निशिंग में यूज करूंगी। और मैंने यहाँ लिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून पिस्ता। इनको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है। इनको मैं बर्फी में यूज करूंगी। और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब सबसे पहले ले लेंगे हम एक ग्राइंडिंग जार। इसमें हम डाल देंगे खजूर। खजूर को हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीस पाएंगे हम, क्योंकि ये गीला वाला खजूर है, इसीलिए हमें इसे दरदरा ही पीसना है। और पीसते समय बीच बीच में जार को खोल के इस तरह से खजूर को फोर्क की हेल्प से चलाते रहें। 2 से 3 मिनट के बाद खजूर जो है इस तरह से दरदरा पिस जाएगा। बस इतना ही पीसना है हमें खजूर को। ये देखिए, खजूर इस तरह से पिसने के बाद हम इसे अलग रख देंगे। और यहाँ हमने ले ली है एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैं डाल दूंगी खसखस। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, हमें घी नहीं ऐड करना है इसे भूनते समय। खसखस को लो फ्लेम पे सिर्फ खुशबू आने तक रोस्ट करना है। आम रोस्टेड खसखस को अलग निकाल के रख देंगे। और उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे 1/2 टेबलस्पून घी। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम, काजू और पिस्ता। और इन्हें हमें घी में भून लेना है हल्की सी खुशबू रिलीज होने तक। तो इनको अच्छे से चलाते रहें और लो फ्लेम पे ही इन ड्राई फ्रूट्स को आप भूनें। अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट भून गए हैं। अब हम इन्हें भूनने के बाद अलग निकाल के रख लेंगे। और उसी कढ़ाई में हम लेंगे बचा हुआ 1/2 टेबलस्पून घी। और इसके मेल्ट होने पे इसमें हम डाल देंगे जो हमने खजूर पीसा था वो। इस समय पे अगर आप फोक यूज करेंगे तो आपको खजूर इसमें ऐड करने में आसानी रहेगी, क्योंकि खजूर जो है मिक्सी के जार के किनारों पे चिपक जाता है। ये जो खजूर की बर्फी है ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और इसमें हम आर्टिफिशियल शुगर यानी कि चीनी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जो भी मिठास रहेगी वो खजूर की रहेगी, क्योंकि खजूर ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। तो जब आप खजूर सारा इसमें डाल लें, पिसा हुआ खजूर, तब आप स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको भूने, जिससे कि अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत गांठें रह गई हैं तो वो भी सही हो जाएंगी। ये देखिए, अब खजूर जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस। 1/4 खसखस जो है हम गार्निशिंग के लिए अलग निकाल के रख देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स घी में भुने थे वो, और इलायची पाउडर भी। और अब इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसी तरह से प्रेस करते हुए आप इन सब चीजों को मिक्स कर लें। इस बर्फी को बनने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज्यादा समय नहीं लगता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है और आप इसे आराम से 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। इसको लगातार चलाते रहें इस तरह से। तो हमारी खजूर की बर्फी का जो मिक्सचर है वो बनना शुरू हो गया है। इसको बस हमें 1 मिनट तक लो फ्लेम पे और भूनना है, जिससे की सारी चीजें अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाएं। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा मिक्सचर अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसी समय पे हमें बनाने हैं हमारे लड्डू। तो इसीलिए मैंने 1 चम्मच मिक्सचर लिया है और इसको मैं इस तरह से अपनी हथेलियों के बीच में रख के गोल घुमा रही हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ताकत नहीं लगानी आपको, तुरंत झट से लड्डू बन के तैयार हो जाता है इसका। इसको सजाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता, और इसको मैं लड्डू को इस तरह से पिस्ता के ऊपर घुमा दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ऊपर चिपक जाएगा लड्डू के। और ये देखिए कितना बढ़िया खजूर का लड्डू तैयार हुआ है। तो अब हम बना लेते हैं खजूर की बर्फी। खजूर की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पे सारा का सारा मिक्सचर ले लिया है। मैं यहाँ पे खजूर की राउंड बर्फी बनाऊंगी, जैसे कि बाजार में मिलती है। आप चाहे तो जो बर्फी की ट्रे आती है उसमें आप सेट कर सकते हैं, या प्लेट में भी इसकी बर्फी बना के सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे मिक्सचर को आप रोल कर लें एक सिलेंड्रिकल शेप में। ये देखिए,
हर तरह से कितना चिकना हो गया है ये रोल। रोल के अच्छे से चिकना बनने के बाद हम लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से पिस्ता, बहुत ही बारीक इनको चॉप किया है, और इस तरह से मैं स्प्रेड कर ले रही हूँ पिस्ता को यहाँ पे। और हमने जो पोस्ता दाना यानी कि हमने जो खसखस भून के अलग रखी थी उसे भी हम यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे। खसखस से बहुत ही अच्छा क्रंच आता है इस बर्फी में। अब इसको हम इस तरह से रोल करेंगे खसखस और पिसे हुए पिस्ता के ऊपर। देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो रही है हमारी खजूर की बर्फी के ऊपर इन ड्राई फ्रूट्स की। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी। अब आप इसको इसी तरह से भी सेट करके रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ ली है एक एल्यूमिनियम फॉइल और मैं इस बर्फी के रोल के ऊपर इस एल्यूमिनियम फॉइल को अच्छे से लपेट दूंगी। आप जितना टाइट लपेट सकते हैं आप उतना टाइट रखिए इसको, और किनारों को इस तरह से सील कर दूंगी। इस तरह से रैप करके रखने से हमारी बर्फी जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि अच्छे से जम जाएगी और इसको कट करने में बहुत ही स्मूथ फिनिश आएगी। ये देखिए 1 से 2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल दिया है। एक शार्प चाकू से आप इस तरह से इसको कट करें, थोड़ी सी ताकत लगती है इसको कट करने में क्योंकि बीच में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से स्मूथ फिनिश के साथ हमारी बर्फी जो है कट के तैयार हुई है। इसके ऊपर से फॉइल आप हटा लें तो हमारी खजूर की बर्फी बन के रेडी है। कितनी बढ़िया खजूर की बर्फी है, इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ये खाने में भी काफी हेल्दी है। इसी तरह से हम बाकी सारे बर्फी के पीसेस को कट कर लेंगे। हमने सारी खजूर की बर्फियों को कट कर लिया है और ये बनके रेडी है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आप इसको 1 से 2 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। ये देखिए मैं क्लोजअप में दिखा देती हूँ कितने बढ़िया तरह से इसमें ड्राई फ्रूट सेट हुए हैं और इसके ऊपर कितने अच्छे से खसखस की और चॉप्ड पिस्ता की गार्निशिंग की है हमने। देखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी काफ़ी हेल्दी है। और हमारे जो लड्डू हैं डेट्स लड्डू यानी कि खजूर के लड्डू, ये भी बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत हेल्दी है और बहुत न्यूट्रिशियस भी है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।